प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। रामानंद जी कहते हैं, मैं भगता मुक्ता भया और कर्म कुंद भया नाश, गरीब दास अवगत मिले मेरी मिटगी मन की बास। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंसे। तब रामानंद जी कहने लगे, चरणों में गिर गए और कहा, मुझे अपना शिष्य बना लो। परमात्मा बोले, नहीं, आप गुरु बने रहो, नहीं तो ये दुनिया गुरु विहीन हो जाएगी, ये काल का दाव लग जाएगा। लेकिन स्वामी जी, जैसे मैं कहूँ ऐसे भक्ति करते रहना। कहते रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे शिष्य के भाव, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाए। कबीर परमात्मा ने रामानंद जी जैसे लाख गुरु, लक्ष गुरु, जो स्वर्ग को लक्ष्य मानकर भक्ति कर रहे थे, अधूरा लक्ष्य मानकर साधना कर रहे थे, उनको शिष्य बनकर पार किया, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाए, यानी सतलोक में पहुंच गए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई सुअवसर मिला है आपको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित होने का, और ये समय है परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष कराने का। अब बैन उठ गया है मोक्ष का। परमात्मा ने अभी तक यो बैन ला रखा था कि इनको ना अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं बताना था, नहीं तो नकली गुरुओं के संतों के हाथ में ये असली ज्ञान आ जाता। तो आज ये दास आता तो नकली और असली की पहचान नहीं हो पाती थी। परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था, धर्मदास तो लाख दुआई, यो सार ज्ञान की तबार ना जाई। एक सार शब्द है, वो तो सार शब्द है, वो नाम है। एक सार ज्ञान, ये तत्व ज्ञान भी कहीं बार ना जावे। धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। सार ज्ञान बाहर जो पढ़ी, या बिजली पीढ़ी हंस नीतर ही। और सार ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। कि सार ज्ञान को जब बतावांगे, जब ये सारे गुरु बन बन कर अंडी पाक लेंगे, सारी बकवाद गढ़ लेंगे, पुस्तक छाप लेंगे, और फिर अपने दास को भेजेंगे, और फिर ये सारे खाल तार देगा, इनको सबको धो देगा, साफ करके रख देगा। देखो ये क्या बताते थे, बैर शिर मंडलेश्वर को आते थे, ये लाखों करोड़ों जिस शिष्यों को मूर्ख बना रहे, इनके पास कह कह के भक्ति नहीं है, और फिर अपने बच्चों को पार करके सतलोक में ले आवांगे चुप करके। इसलिए इसको छुपा के रखना था, ये अब खोलना है। अब ये बैन उठा दिया परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरू विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं,
कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी आरे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक बड़े विकार। तुम दाता दुखी बंजना मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय बिना समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हाज का सोजत और न ठोरे। बंदे तू कर बंदगी बंदे तू कर बंदगी। जय चावे दीदारे अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआ जल बिना फिर वो बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जाएंगे छूटे। कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दामे। दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली न राम। पुण्यात्माओं इस कालबली ने हमारे साथ पग पग पर धोखा किया है और ये कालबली का एजेंट ये मन है। ये मन इस प्राणी को अच्छे काम की तरफ नहीं लगने देता और जो इसके भविष्य में यानी
आत्म कल्याण का जो मार्ग है उसमें तो ये विशेषकर ही नहीं लगने देता। जिस कारण से इसका स्वार्थ है कि ये जो भी भक्त हैं मनुष्य, ये प्राणी हैं, जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये पूर्ण परमात्मा से परिचित ना हो जाएं और उसके ज्ञान को ये समझ ना लें, जिस कारण से ये तेरे जाल से निकल जाएंगे और तेरा ये संसार उजड़ जाएगा। क्योंकि काल भगवान को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में पूरे जीवन में जो वासना वो इकट्ठी करते हैं उसको तपत शिला पर भून कर, उनको तल कर, वो वासना निकाल कर अपना आहार करता है, आनंद मनाता है। या किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी के माता पिता मर जाते हैं, किसी के रिश्तेदारों की मृत्यु होती है और वो आनंद मनाता है। इसलिए ये काल भगवान इस जीव को अच्छे रास्ते पर नहीं लगने देता। अब हम अपने इस भक्ति मार्ग को ना पहचान कर जो पहले कर्म करते थे, भले ही हम बहुत अच्छे काम भी करने की चेष्टा करते थे, भाई किसी की आत्मा ना दुखावें, ऐसी भी पुण्यात्मा बहुत है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को नहीं छूती और ना उनकी नीत किसी का बुरा करने की है, ऐसी भी कोई पिछले संस्कार ही उन पुण्यात्माओं के हैं, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ आस्था नहीं है, परमात्मा की तरफ रुचि नहीं है। स्वाभाविक, जैसे कोई 6 महीने में, 1 वर्ष में कोई अपना जैसे परंपरागत पूजा है, वहाँ घर का एक सदस्य जाकर सारे का काम सब की मन्नत मांग आता है और उसी को हम भक्ति मानते हैं, उसी से हम अपना आध्यात्मिक कर्म पूरा मान लेते हैं। उसके बारे में परमात्मा बताते हैं, जिन हर जैसा सोमरिया ताको तैसा लाभ, भाई ओसा प्यास न भागे ही जब तक धसे न आब। जो ये यथार्थ भक्ति मार्ग को ना समझ कर साधना हम किया करते थे, लोक वेद के आधार पर जो साधना करते थे, वो पूजाएं तो ऐसी थी जैसे ओस चाट रहे हों, ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझेगी, गट गट 2 गिलास ठंडे पानी के पिए जाएंगे। इसका उदाहरण ये है कि जो साधना हम करते हैं वो तो ओस चाटने तुल्य है, और जो यथार्थ ज्ञान सत भक्ति को समझ कर तत्व ज्ञान के आधार से हम सत साधना करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वो हम समझो गिलास के गिलास पानी पी रहे हैं और इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति होगी, अन्यथा नहीं। परमात्मा बताते हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है और विकारों के बहुत निकट पहुंच चुका है, और पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है, केवल माया ही उद्देश्य रह गया है, ना लज्जा रही, ना कोई किसी का जो है आपसी मेल जोल की परवाह रही, बड़े छोटे की कान नहीं रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से दूर हो गए। भाई बहन का प्यार नहीं, केवल माया ही प्रथम दिखाई देती है, रिश्तेदारी भी स्वार्थ से ही है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि ये माया बड़ी अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या तो कुआं बांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं के अंदर
और एक क्विंटल भांग गेर दियो। अब उस पानी को जो भी ग्रहण कर रहा है उससे एक नशा हो जाता है, और नशे वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो वो सभी नशेड़ियों की एक जैसी होती है। यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। अब हम किसी से कहते हैं, आप भी कहते हो कि परमात्मा के चरणों में चलो, भगवान का नाम लो, परमात्मा के निकट पहुंचो, भक्ति करो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो प्रथम तो इस बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। क्या कहते हैं भाई, काम काम भी तो करना है, सत्संग में जाए तो के पार पड़े है, के पूरा पट्टे है, यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा अड़ा कर बैठ जाते हैं कि वो कहने वाला चुप ही, समझाने वाले को चुप ही होना पड़ता है कि भाई यो नहीं मानने कति ढीठ हो जाए। तो उसके बारे में परमात्मा बताते हैं, फिर इसकी बिरान माटी शुरू होती है इस प्राणी की, जब तक पिछले जन्म के पुण्य आपके साथ हैं, अर्थात आपकी बैटरी चार्ज्ड है और वर्तमान में चार्जिंग पर नहीं लगाई है, तो जब तक पूर्व जन्म की चार्ज उसमें जितनी चार्जिंग हो रही है वो उतने समय तक तो पूरा काम करेगी, और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, आगे चार्जर है नहीं, तो वो एकदम बंद हो जाएगी, ना कोई पंखा चलेगा, इन्वर्टर की जो बैटरी चार्ज की जाती है, तो जब तक वो चार्ज्ड है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, कूलर ने भी घुमा रही है, और भविष्य में वो चार्ज नहीं की गई तो एकदम बंद हो जाएगी, ना पंखा चलेगा और ना कोई उजाला रहेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं ये कहते हैं कि हमने शराब पीते हैं, ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना हम बीड़ी तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमें नाम लेने की क्या आवश्यकता है, हमने तो नाम ले ही रखा है, हम तो भगवान के वैसे ही निकट हैं। पुण्यात्माओं यही ज्ञान सत्संग में समझाया जाता है जो हमें नहीं है, जो हमें ज्ञान नहीं है वो परमात्मा की वाणी से ही तुलना की जाती है, और परमात्मा की वाणी को हमें अंतिम मानना होगा क्योंकि उसके वचन में कमी नहीं है। यह तो हमारी अज्ञान सोच है कि हम इस पर कितना तोल सकते हैं, हमारा जो मेजरमेंट टेप है वो ISI मार्क नहीं है, वो छोटी बड़ी है, तो हम उसी से नापते रहते हैं, तो वो मेजरमेंट वो नाप तोल ठीक नहीं। हम संतों की वाणी जो ISI मार्क है उससे तोलेंगे और फिर अपने जीवन को सुचारू करेंगे तो हम सफल होंगे। तो उनके लिए बताया जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मानुष जीवन का प्रथम कर्तव्य है, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तो ये तो मनुष्य आहार है ही नहीं। मनुष्यों में भी जो बद व्यक्ति होते थे, जो गांव से निकाल दिए जाते थे, जंगलों में रहा रहने लग जाते थे, वो राक्षस वो प्रयोग क्या करते थे, मानव समाज में स्वीकार्य नहीं है, और अब कोई गांव खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं जो ये विकार ना हो। तो जैसे अच्छी बात है, जो अच्छे पुण्य कर्म है पिछले, बुराई नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में चार्जिंग, भविष्य में कोई चार्ज नहीं कर रहे अपने जीवन को, ये पूर्व जन्म की बैटरी आपकी यानी पुण्य कमाई चल रही है, जिस दिन यह खत्म हो जाएगी, बिरान माटी शुरू हो जाएगी, चाहे अप्लातून हो। यहाँ पर पुण्यात्मा भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी श्री ज्ञानी जैल सिंह जी पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, हिंदुस्तान की सुप्रीम पावर बन गए, और जब वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने तक पैरालिसिस होकर बोलिया भी ना जाओ था और तड़प कर मरना पड़ा।
यदि उस पुण्यात्माओं को मार्ग ठीक मिल जाए तो अच्छा अच्छी बात है, भगवान ने पिछले जन्म के कुछ संस्कार दिए हैं और जिस कारण से उसको उच्च पोस्ट प्राप्त है वो पिछले जन्म की कमाई है, भविष्य की कुछ तैयारी नहीं की तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए सत्संग में समझाया जाता है कि जो बुराई नहीं करता और नाम भी नहीं जपता, गुरु भी नहीं बना रखा, एक व्यक्ति वो, और एक व्यक्ति वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सारी को बंद करता है, और उसको वो, और वो व्यक्ति जो कुछ भी बुराई नहीं करता, अपना सीधा जीवन जी रहा, नाम वो भी ना लेता और नाम वो विकारी भी नहीं लेता, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं कैसे हैं कि जैसे एक खेत एक एकड़ जमीन खूब बास मार के छोड़ रखी है, उसमें कोई घास नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, कोई डले नहीं, और उसके दूसरे किले में घास फूस खूब उगया पड़ा है, जाड़ जंखार जाड़ी भी जाम रही है, अर्थात बंजड़ पड़ा है, और उस जो समार रखा वो किला उसमें भी कुछ नहीं बीज रखा, उसमें बीज नहीं बो रखा, तो वो उसी के बराबर है, दोनों यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं। अब किसान जो होता है वो बड़ा परिश्रमी और उसको ज्ञान होता है कि जो ये बंजर जमीन पड़ी है ये भी उपजाऊ हो सकती है, उसका तरीका किसान को होता है, उस बंजर सभी जमीन को भी वो अपने पूरे प्रयत्न से, कभी पहले उस घास को काटेगा, झाड़ियों को गंडासियों तक काटेगा, फिर उसको जो है ट्रैक्टर से हल से उसकी गुड़ाई करके समार लेगा, और लाभ दोनों का जब होगा जब दोनों में बीज बीज दिया जाएगा, एक वो पुण्यात्मा जो बुराई नहीं करता, एक वो जिसको हम पापात्मा कहते हैं बुराई सारी करता है, जब वो सत्संग में आ जाते हैं तो वो संत, संत रूपी जो किसान होता है वो दोनों को ही यूटिलाइज कर लेता है, दोनों को ही प्रयोग करता है, दोनों को सफल कर लेता है। ठीक है, जो पुण्यात्मा बुराई शराब बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं प्रयोग करती तो वो तो समरा समरा खेत है, उसमें तो बीज बोना शेष है, और जो सब बुराइयां करते हैं डाकेते ही मारते थे वो भी संतों के सत्संग ने सुनकर उनकी भी वह खेत समर गया और बीज बीज दिया, और बंजड़ जमीन गणी गजब की उग्या करे, बहुत जबरदस्त उपजाऊ होती है। पुराने इतिहास देख लो, जितने भी ज्यादा बद व्यक्ति थे जब उनको सच्चा ज्ञान मिला उन्हें उस साइड में भी इतना डूंडा ठा दिया और आज सुप्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं ये तो मानुष जीवन समारे पार पड़ेगी, चाहे इस जन्म में या फिर कभी सूत बैठे कुत्ते गधे सुअर की जूनी भोग कर फिर मनुष्य जन्म में यो काम तो करें पार पड़ेगी। अब आपको मनुष्य जीवन भी है और सत्संग सुनने को भी मिल रहा है, अब भी आप सफल नहीं होगे तो तुम्हारे जैसे निर्भाग नहीं और आप जैसे भगवान भी नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया और ये तत्व ज्ञान आपके कानों तक पहुंचा दिया और आपकी रुचि बनी, और अब कभी रह गए फिर कितना ठिकाना धरती पर नहीं आपको। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, उस मानव समाज को केवल वही ज्ञान है जो वो आपस में परस्पर डिस्कस करते रहते हैं, उससे बाहर की कोई बात उनको ध्यान में लाने की चेष्टा करता है तो उनको स्वीकार्य नहीं होती, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। सत्संग में तो पाखंडी लोग जाते हैं, सत्संग में तो ऐसे व्यक्ति जाते हैं और वो सारी बुराई करें, किसी की बहन बेटी तक तो छोड़ दें कोई ना, पड़ोसी का धन लूट लें, वो भी सत्संग में आने वालों को बुरा बताते हैं। ये उनको सत्संग में ना आने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लग दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम,
एक समय की बात है जब हम इस मार्ग पर लगे ही लगे थे और विशेषकर ऐसी घटनाओं को ऊपर विशेष दृष्टि जाती थी, आत्मा में ठेस पहुंचती थी। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था और सुनार का काम किया करता। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और दो वो पति पत्नी। लड़की का विवाह करना था, लड़की का, और उसके पास इतना पैसा था गिनती नहीं। लड़की का विवाह करना था, लड़की ये हिसार के आसपास के यहीं का रहने वाला था, और लड़की की शादी राजस्थान में एक अच्छे सेठ यानी बड़े सुनार के, वो भी बड़ा पैसे वाला था, वहाँ करनी थी। तो लड़की के कपड़े जेवरात और वहाँ जो दहेज में देने की वस्तु जो देनी थी वो खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे, और आसी और महम के बीच में एक ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो गया, दोनों अब आमने सामने टक्कर होगी, चारों के चारों वहीं मर गए। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे नरमान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। ये तो काल ने अपनी खेती वो रखी है, 1,00,000 प्राणी डेली खाता है। नैना देवी में गए थे कल्याण कराने के लिए, वहां सारा कल्याण हो गया, 150 आदमी मर गए। और भी बहुत जगह ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसा ऐसा अनर्थ होता है, लेकिन वहां जाने से फिर भी लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको चाह है परमात्मा की। और वो रास्ता ठीक नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है। जैसे आपको तीर्थ के विषय में बताया, ऐसे ऐसे घटना जहां घटी है उनको तीर्थ कहते हैं, वहां जाने से कल्याण मानते हैं। अब उस भक्त को जो एक्सीडेंट में सह परिवार नष्ट हो गया, और उस पैसे नहीं कौन प्रयोग करेगा, रिश्तेदारों के जूत बाजेंगे, पड़ोसी लड़के मरेंगे, उसके भाईचारा लड़के मरेगा, वो उन औरों को और दुख देगा। राम नाम रटा नहीं, परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, माया जोड़ने में सारा जीवन खो दिया और वो माया साथ गई नहीं, और जो पैसे कमाने में, वो धन कमाने में जो पाप किए थे वो भगत के साथ गए, वो उसके साथ गए। गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, ब्रह्म माटी होगी, वो अभी शेष रहते हैं। तो पुण्यात्माओं ये दिखाई जब देता है, जब इस ज्ञान रूपी आंखें बन जाती है, और इस सत्संग के अंदर ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। वैसे तो ये लोग बहुत शाने नजर आते हैं, बुद्धिमान नजर आते हैं, बोलने भी ना देते हमारे भक्तों को, लेकिन उनको वो कति ज्ञानहीन है, भक्ति का मार्ग उनको नहीं है। और जिनको आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं है, तो किसे विद्वान हो, कितने विद्वान हो, चाहे वो डबल MA के ट्रिपल MA कर रखियो, वो तो इस जीवन में 2 रोटी का धंधा है बस, आगे कुछ नहीं इससे। और उस 2 रोटी के धंधे के लिए 16 साल तक लगातार बच्चे को हम फ्री छोड़ देते, तू पढ़ ले बेटा बेटी पढ़ ले, और राम नाम के लिए हमारे पास 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं, और परमात्मा इतने दयालु हैं ये फिर भी आपके बच्चे का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। यदि हम इस मार्ग को ढंग से समझेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे को समय भी लगाना पड़ेगा, 2 पैसे पुण्य भी करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं अनजान लोग कि भाई तुम तो 3रे दिन सत्संग में जाते ही है कि गर्भसन के काम है, तुम तो नाशकरण पर लाग रहे हो। अरे ये वो व्यक्ति कहते हैं जिनने ज्ञान कति नहीं, और जिनको ज्ञान हो गया वो के मन ने उनकी बावड़े, वो उनने बावड़े लागे। एक एक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति था लड़का, उसकी पोस्टिंग होगी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहले दिन जब उस गांव में जा रहा था जहां उसकी ड्यूटी थी, रास्ते में एक किसान गेहूं बोया था,
और उसने गिठड़ी खोल के गेवा की बार रख रखी 40 किलो पक्के, और उसमें तो एक थैला भर के बैलों के पीछे पीछे एक पाइप में के, और बैलों को जोत रखा हल में और पीछे पाइप बांध के उसमें के वो गेहूँ मिट्टी में मिला रहा। तो वो बाबू जी आके खड़ा हो गया, अक भाई आदमी पागल है के सांग है इसका, यो भी इतने बढ़िया गेहूँ को, ये खाने की वस्तु गेहूँ देख रखे थे उसने, पर ये नहीं मालूम था इसका प्राप्त इसको बीजने का या इसकी ये गेहूँ बनते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इससे वो कति अनभिज था, उसने गेहूँ अपने घर में मोल लाए हुए देख रखे थे कि ये बहुत अच्छी ये रोटी बनती है गेहूँ की रोटी, और बुद्धिमान इतना था कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी है, हमने ये करना चाहिए वो करना। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर अपनी बुद्धि के आधार पर वो वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब वो किसान ने गेहूं बोता हुआ जा रहा है, वो थैला खत्म हो गया, दूसरा फिर भर लिया और फिर शुरू हो गया बोना। तब वो व्यक्ति उस बाबूजी आ रहा था दिल्ली वाला, वो कहने लगा रहा बैला वाले बात सुनना मेरी। अब हाड़ी ने सोचा को रास्ता पूछता होगा बता दूंगा, नया आदमी दिखे, उसने हल छोड़ दिया, बैलों को रोक दिया और फरी कर दिया। अकान जी क्या बात है, ने बोला भाई तू पागल तो नहीं है। वो किसान ने सोचा भाई साहब के सोच देखे इसने, बिना पागल तो नहीं है। वो बोला जी क्या बात है कि भाई साहब आप इतनी बढ़िया गेहूँ को इतने बढ़िया कणक को और मिट्टी में मिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, देश में पहले ही खाद्य सामग्री की अभाव है, तो क्यों बर्बाद कर रहा है इसको। तब वो किसान समझ गया यो तो बंदरा रह किते थे, इसने न्यो ही नहीं बेरा उल्लू ने, ये गेहूँ बो रहा हूँ क्या बर्बाद कर रहा हूँ। तब उसने समझाया कि बाबूजी मैं बर्बाद नहीं हो रहा, मैं आबाद हो रहा हूँ। आज ये मिट्टी में जो गेहूँ मैं मिला रहा हूँ, ये 6 महीने के बाद मुझे आबाद करेंगे। एक गेहूँ के एक बीज के इतने सारे गुच्छे से पौधे उगेंगे, और एक एक पौधे में एक बाली आवेगी, और एक एक बाली में 40-50 गेहूँ इसके अंदर होंगे। वो बाबूजी वो शहरी भगत ने सोचा क्या भाई तू जादूगर है, अक नहीं मैं जादूगर नहीं हूँ, ये गेहूँ पैदा करने का प्रोसीजर ही ऐसा है। यूँ बोला भाई मैं तो ना मानूँ। तो उसने कहा आप 2-4 महीने के बाद फिर चक्कर लगाना। वो किसी शहर में नौकरी थी और वो ऐसे गांव में आता जाता था, लेकिन उसका जची नहीं या बात, क्योंकि उसने ये देखा नहीं था। वो फिर कुछ महीनों के बाद विशेष कर आया, उस आदमी से पूछूं जाके क्या रहा, उसने माटी में गेहूं मिलाए थे, वहां कर देखता है तो हरी भरी वो फसल लहला रही है और गेहूं पर बाली आई हुई है, सुनहरी रंग पकड़ा हुआ है, और वो किसान भी वहीं अपने खेत में आसपास घूम रहा है। तब उस शहरी बाबूजी से कहा ने पूछा भाई ये क्या हो गया, ये क्या है। कहने लगा ये वही है जो मैं बनाना चाहता था। अब उसने एक बाल तोड़ी और ऐसे ऐसे करके दिखाई, फूक मार के देख एक गेहूं डाला था, और ये ऐसी ऐसी इस एक पेड़ में एक पौधे में, और ये 10-12 बाली आई है। तब उस बाबूजी का पेटा भरा, भाई ठीक तू तो आदमी शाना लिख दिया, मैं तो तुझे मूर्ख समझ रहा था। किसान बोला मैं तुझे मूर्ख समझ रहा था। अब यो फैसला तो नहीं हो वह जब ज्ञान आमने सामने प्रैक्टिकल हो ले। तो ये जो आज आप लोगों को मूर्ख समझते हैं जो माया के पुजारी, और ये सोचते हैं ना जोड़ जोड़ कर बैंक में धरे जाने में बढ़ देंगे बैंक ब्याज तो नहीं। एक बालक बीमार हो गया ना 2.5 लाख में पांडा छूटे, जो भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, कि तो गुर्दे खराब, कि तो हार्ट में प्रॉब्लम, या कि तो कैंसर रोग, कि तो एड्स शुरू हो जाती है। परमा कहते हैं धर्म तो धस के नहीं ये धस के तीनों लोके,
खैरायत में खैर है भाई की जय आत्म पोख। अब जैसे आज आप उस शहरी व्यक्ति जैसे इस ज्ञान को न जानने वाले व्यक्तियों की बातों को सुनकर जो ये कहते हैं कि तुम क्यों पैसा बर्बाद करते हो, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहते हो, तो अब वर्तमान में तो ये पैसा आपका मीडियम मिलता नजर आवे, क्योंकि उस तो किराए वाले ले लें रस्ते में, कोई जीपों वाले कोई बसों वाले, और फिर यहां दान करते हो खुले आते। अब तो वर्तमान में तो यू मट्टी में डाला जा रहा है, और फिर देखना यो खेती ये जो आपको फल देगा, आपको इतना फल मिल जाएगा कि आप पैया माया धरी नहीं जाएगी कितने ठिकाने से। परमात्मा कहते हैं फिर इस माया को अपनी मत समझना, इसको घनी अच्छी मत समझना, ये तेरे जी का झाड़ बन जाएगी और तुझे मोक्ष मार्ग से रोक लेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख हो जाए। इतना मांगियो भगवान ते परमात्मा हाथ भी खुला रहे जा, और घना ना दे दियो कदे मैं इससे मुड़ पड़ो जो काड़े को ठिकारा फैक्ट्री में लगा रहा हूं और बिरान मट्टी हो जाए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उदाहरण दिया अपने आप पर, सारी सृष्टि के संचालक उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक त्रयम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर जो तीनों लोकों में प्रवेश करकर सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा है। वो जिसका आगे ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन पर ब्रह्म ब्रह्म और धर्मराय जैसे भिखारी हैं उसके द्वार पर आगे हाथ उसी के आगे याचना करते हैं, और वो परमात्मा आके काशी में एक जुलाहे का रूप धारण करके एक कुटिया में रहा। क्या बताना चाहते थे भाई, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जाली ऊत। मायाधारी मस्करे कौन थे, ऐसे ऐसे दान किए, ऐसे ऐसे यज्ञ की और बहुत ज्यादा पूरी पृथ्वी पर भी शासन किया जिन्होंने भक्ति नहीं की, और भक्ति भी करते हैं दान करते हैं ड्रामा बाजी सी करते हैं, कहते ही से मायाधारी मस्करे तकरा कितने जालिए ऊत। ऊत का अर्थ है जैसे रावण के विषय में, रावण को के बारे में क्या बताते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती है। रावण जैसे कहते हैं ये ऊत गए, ऊत माने उसका बीज नष्ट हो गया, और माया इतनी थी सोने के मकान बना कर आ करता। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, भगवान ने आपके भाग्य में आपकी कोई पुण्य कमाई पूर्व की है, कोठी भी दे रखी है, आपके पास कार भी है, क्योंकि वर्तमान समय की इसकी आवश्यकता है, और नहीं भी दे रखी है तो कोई मन में मत लाना, शायद आपका हित इसी में है, प्रभु आपको ऐसे ही रखना चाहता है जिससे आपका कल्याण हो सकेगा। तो कहते हैं टोटे में भक्ति करे, परमात्मा ने अपने आप को कति गरीब, बिल्कुल गरीब, सुबह का भोजन है तो शाम का नहीं, ऐसी स्थिति में रहकर दिखाया, और जब वक्त पड़ा उन दुष्ट आत्माओं ने भगवान के साथ मजाक कर दिया और चिट्ठी लिख दी सब जगह के कबीर भंडारा करेगा, 9-18 लाख आदमी मेहमान बनकर आएंगे,
और उस परमात्मा ने 18 लाख का पेट 3 दांत ही भर दिया, और ऐसा भर दिया कि हर प्रकार के पकवान, देसी घी के बने हुए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, खीर, हलवा, हर तरह से उनको करके दिखा दिया। तो क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा, यदि तू राम नाम का धनी है तो परमात्मा तेरे साथ है। 18 लाख आदमी आप इकट्ठे हो जाओ, जब सरकार नहीं हल जाता सारी, जब उसने शाम की रोटी दे दी सवेरे की नहीं पावे इंदौरे, और बना नहीं सकते, व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे, तो कहने का भाव ये पूरी बड़ी सरकार है, सारी सृष्टि का संचालक है, और सतलोक से लेकर आए परमात्मा वो सारा आहार अपना कह लगे इस कंगाल देश से, इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ब्रह्म परब्रह्म के लोगों से क्या लेंगे, मेरे से ही मांगते, सतलोक से लेकर आए थे, 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भरकर दिखाया लाए, और फिर वहाँ तंबू ला दिए सबका, 3 दिन तक 18 लाख आदमियों के ओए बल्ले बल्ले कर दिए परमात्मा ने। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के टोटे में भक्ति करे, परमात्मा से उल्टा ना हटे, चाहे कितना ही आप सोचते हो कि नुकसान है, पैसा नहीं बन रहा है, आप राम नाम का धन घना जोड़ रहे हो, और राम नाम का धन है तो आपके साथ भगवान है, भगवान है तो फिर आपके पास कमी क्या है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। अब परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना देता वो मांगते फिर यो फिर भगवान सुने नहीं कान। आज आप देखते हो एक ही घर में 4 भाई हैं, एक तो आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, एक भाई अध्यापक है, और एक भाई बॉलीवुड कति नोरा है सारा दिन, और एक ही माता पिता के, और एक खेती कर रहा है। एक ही माता पिता से चारों का जन्म है, और एक सी परवरिश माता पिता ने दी, एक जैसे स्कूल में पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन भाग नारे नारे भटके। वो भाग कब बनाए थे उन्होंने, वो कभी पूर्व जन्म में बनाए थे, पूर्व जन्म में वो भक्ति साधना की हुई उनके साथ आज है, और वही मिलेगा। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे तो उनसे अलग भी मिलेगा जो हमें आवश्यक होगा, इतना अधिक नहीं देंगे जिससे आप उस माया के माया डूब कर मर जाओ। इस माया से तो परमात्मा हमें दूर रखना चाहते हैं, और इतना अवश्य देना चाहते हैं, इतना अवश्य देना चाहते हैं कि बच्चे का दिल ना टूट जाए, ये भक्ति करता रहे। तो क्या बताते हैं, देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया जिसने वो मांगते फिर यो फिर परमात्मा सुने नहीं कान। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी मनुष्य हैं जो हाथ फलाए सारा दिन फिरते हैं, दिए बाबूजी कागज चुकते हैं, लेकिन वो अगर राम नाम ले लें, भक्ति करें, तो वो साहूकार हैं भगवान के दरबार के। उनके सामने यहाँ के टाटा बिड़ला कुछ नहीं है जो राम नाम के धनी है, ये सत्कर मान लेना। लेकिन इस मार्ग का, इस ज्ञान का हमें पता नहीं, और माया हमने चौकस तुरंत दिखाई देती है, उसने कार ले लें, कोठी ले लें, फ्रिज लवा लें, यह तो तुरंत लाभ देती है, इसलिए माया को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और परमात्मा उन्हीं को दे रहे हैं जिन पाचदन भक्ति कर रखी है, वो ले भगवान से ही रहे हैं, ये भूल जाते हैं। यदि उन्होंने दान नहीं किया होता तो वो भी कागज चुकते फिरते, कोई फरीज नहीं देता, ना वो कार कोठियों में बैठ सकते थे। देते को, लेकिन अब वो नादानी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे की बैटरी नहीं लगा रहे चार्जिंग पर, वो अपना वो डिस्चार्ज वो खत्म हो जाएंगे, अंत में बर्बाद हो जाएंगी वो बैटरियाँ, अर्थात वो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे,
आसौज के मेह जो ये घणा करें उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श दो बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। दो बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है। तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर एक महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर। अवश्य पहुंच और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो छठे महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो एक वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे। लाख कोस जो गुरु बसे और शिष्य समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु जी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो एक साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरु जी अब पौने दो वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्श नहीं हो सके तो क्या हमारे ऊपर क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है, लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है फिर तो काम करे, घूमे फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी, इतनी आत्मा रुआ रखी है उन्होंने, उनकी हाय पाड़ के दर्द देगी, उनके मनमान कई पीढ़ियों तक का नाश कर देगी। हम किसी को दुर्शीस नहीं दे रहे लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहे हैं। ऐसी ब्रान माटी होंगी उन लोगों की, कुत्ते बनेंगे, कीड़े पड़ेंगे, खाज लगा करेगी, टांग टूटेंगी। ये मुख्य दोषी वो लोग हैं जो स्वार्थवश जनता को गुमराह करके और संतों का विरोध कराते हैं। लेकिन दोष उनको भी लगेगा जिन्होंने उन पाखंडियों की बात बिना देखे सुने मान ली। तो पुण्यात्मा उसमें दोष नहीं, तो आपकी तो अधिक कर्म बने हैं, आप हृदय से रोए हो। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने 6 महीने तक तड़पाया था उसके अंदर की कसक देखने के लिए और बनाने के लिए, और फिर जब वो परमात्मा मिले तो और अधिक प्रेम से और प्रेम और बढ़ा हुआ था। तो पुण्यात्मा यही समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी बच्चा परमात्मा से दूर नहीं हुआ, आपकी दूनी कसक पड़ी है। तो वही आपने ये ज्ञान समझ लिया कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का सूझ जाए और निठहर। आप इतना ज्ञान युक्त हो गए हो जैसे समुद्री जहाज के ऊपर शाम के समय कौआ इस दृष्टिकोण से बैठ जाता था जो 4 बजे से जहाज प्रस्थान होता बंदरगाह से, कि ये खाना खाएंगे और वहाँ टुकड़े खाऊंगा, क्यों पूरा बाजार सा लगा हुआ होता है समुद्री जहाज में, सारी व्यवस्था होती है, होटल भी होते हैं वहाँ, कंटीन भी बनी होती है, सब तरह की दुकानें होती हैं, एक शहर सा होता है।
पुराने समय की बात है, जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो वर्तमान में हैं, जो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसमें एक वो रखा करते थे दिशा सूचक, और वो दिशा सूचक को भी कोई ऐसी जो चुंबकीय चट्टान होती थी वो डिस्टर्ब कर देती थी, उसकी दिशा को बदल दिया करती थी। तो जब वो उस दिशा सूचक को चेक करने के लिए ये ठीक काम कर रहा है या नहीं, हम अपनी सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, उसके लिए वो क्या तरीका अपनाते थे उसकी जांच का, कि जो कौवे ऊपर बैठे होते थे उनको डड़ा मारते थे पत्थर, उनको जहाज से विवश कर देते थे उड़ने के लिए, तो वो कौवा वहां से उड़कर चल पड़ता। और कौवे में परमात्मा ने एक विशेष ऐसी वो दे रखी है, उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला रखा है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। वो ये ख्याल रखता है कि मान ले ये मुझे यहाँ से धक्के मारेंगे तो मैं फिर उस दिशा में अपने घर की तरफ चल पड़ूंगा, वो आंखें रात्रि में भी उसी चिंता में उस दिशा को भूलता नहीं। और रात्रि के समय वो जहाज निकल जाता 200 किलोमीटर, और वहाँ जब वो 200 किलोमीटर जहाज चला जाता तो वहाँ जल ही जल नजर आता था, कोई आसपास कोई शहर या किनारा दिखाई नहीं देता। तो वो काग उड़ता है वहाँ से, वो कौवा उड़कर चल पड़ता है अपनी उसी दिशा में जिस दिशा से वो जहाज चला था। अब कौवा तो उड़ता रहा उड़ रहा है, तो वो जहाज वाले अपने दिशा सूचक को चेक कर लेते थे ये सही है, हम सही दिशा में चल रहे या नहीं। उधर से वो कौवा जाता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, फिर आगे देखा कि तो बैठने जगह कोई नहीं, वो फिर मुड़कर देखता है कि उसको वो जहाज ही दिखाई देता अपने प्राण बचाने के लिए, वापस आकर के उस जहाज पर ही विश्राम पाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, उस समय आपको इस सतलोक आश्रम क्रोथा और बरवाला और इस दास के अतिरिक्त और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हें कोई स्थान दिखाई नहीं देगा, सब डूबने का होगा, पैर रखते ही डूबने का होगा, क्योंकि चाहे कितने प्यारे और कितने ही नेक भाई बहन रिश्तेदार हैं, वो तो इसी समय में हमारे साथ रहेंगे, आगे ना जाने अपने संस्कार वश वो कहाँ जाएंगे, वो हम कहाँ जाएंगे, ना जाने कि तो पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई जानवर बनेगा, हो सकता किसी पुण्यात्मा को मनुष्य भी विशेष रह रहा वो भी मिल सकता है। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ऐसे आपके अंदर जो तरफ बनी है, अब आपको वो वही कौवे वाला ज्ञान हो गया, आपको परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त इस संसार में ब्रह्मांड में आपको भगवान दिखाई नहीं देगा जो हमें सुख दे सके, जो हमें आश्रय दे सके। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तब भी हम डूबने से बचेंगे, ना तो काग को ज्ञान नहीं होता करा कि तो बैठ जाता समुद्र पर डूब जाता, नहीं थोड़ी देर में थक के गिर जाता, फिर वैसे डूबना था, तो समझदारी की उसने वापस आके वहीं जा शरण ले ली। तो अब ये भी हुआ है कि जिनको हमने धमका दिया था, खुरका दिया था, वो बार बार गलती करते थे, वो आया ना करते, नाम भी छोड़ दिया था, अब वो भी उल्टे आ गए, या और कमाल करी परमात्मा ने, और नए भक्तों का तो कमाल हो गया। 3 महीने दास को जेल से आए हुए हैं, लगभग 4,000 व्यक्ति परमात्मा के चरणों में नए आ चुके हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सांच को आंच नहीं होती। परमात्मा कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े, तो घटे नता का मोल। समझदार व्यक्ति तो जैसे सोना है, और सोना टट्टी में भी पड़ा ना, कितने टट्टी में राछी डड़ी हो इतनी सारी, चाहे इतना पड़ा हो कोई ना छोड़े, जब वह ठाकर धोकर मांझ कर गोज मगाल कर और दौड़ लेगा कि देखो देख ना ले,
तो ऐसे ही जब हमें परख हो जाएगी, लोगों ने अब इस दास के ऊपर सोने के ऊपर टट्टी डाल दी और हमारे बच्चों ने वो टट्टी ना दिखी, सोना दिखा, तो पुण्यात्माओं उनके द्वारा डाली हुई वो टट्टी यानी उनके द्वारा गंद फैलाया हुआ भी साफ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं उस आश्रम के अंदर, और सोना भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं तो फिर भगवान का नाम में मिट जाएगा इस पृथ्वी पर से, राम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आजकल वैसे लोग नास्तिक हो गए, चार छोटे मोटे जात बनाकर आकाश में उड़कर ये बिरानी के मान बैठे अपने आप को। अगर दो दो चार वर्ष परमात्मा बूंद ना गिरे, वर्षा ना क्रियाकाल पड़ जाए, ये जहाज और इंस्ट्रूमेंट ये सकाई लुड़क पड़े पड़े जर इनके, इनमें कोई बैठनिया नहीं पाओ, इन्हें देखनिया नहीं पाओ, और भगवान को भूल गए। यही कारण है कि हम भगवान के महिमा से अपरिचित हो गए। अब प्रसंग चला था सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, वो भूली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातारे। ये जो चीज हम भूल रहे थे भगवान की भक्ति, भक्ति भी यथार्थ, उस ज्ञान को वो संत फिर दोबारा हमारे हृदय में प्रवेश कर देते, ऐसे दातार हैं। अपुण्यात्माओं ठीक है, जो हमसे परिचित नहीं है वो तो लोगों की दंत कथा सुनकर कुछ भी कहते रहे सुन और कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता का तो काम मयू है। जो भगवान से दूर हैं वो लोग तो जिसी सुनेंगे आगे वैसी ही कहना शुरू कर देते हैं। इस दास ने 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं, हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल, अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा, और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो दो कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम, और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन का बाबा जी भी बन रहे थे उनके साथ रहा करते, उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था के हो रहा है, क्या इनका मालिक का उद्देश्य। जब वो 4-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था, हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जावा ब्रह्मंड, उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया, नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे शुरू में, अकेला नाम ले रहा था, बालक भी तो बालक छोटे थे, वो तो घर जैसे कहूँ था मान जाए थे, उनकी माँ नहीं माने, फिर मेरे मात पिता नहीं माने, अगले भाई पुरानी लाग कुकर छोड़ना, बड़े सांके में पा आया, फिर परमात्मा से अर्ज करी, धीरे धीरे वो समझन लागे, ना सुनते तो भी बोले जानता बावड़े की तरह, तो धीरे क्यों कान न कैसे बंद करेंगे वहाँ बैठे हुए। तो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, एक बार अंदर गया सुबह कैसी सिरंजा जानते काम करेगी दवाई। तो धीरे धीरे कान के माध्यम से ये दवाई भेजी जाती है, और आज देख लो रंग ला दिया परमात्मा ने उस परम पिता
पूज्य गुरुदेव जी की सबद शक्ति से सब काम चल रहा है और कबीर परमेश्वर हमारे सिर पर रहते हैं।